Đây tôi hả? Bán đi luôn. Bán đi luôn. इतना घर में घुस के कौन पूछता घर में कोई है भाई कौन पूछता हेलो हाँ जी हेलो आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी हमारी वो रिश्ते के बारे में जो हुई थी तो माय सेल्फ रोमी अंबानी ये मेरी वाइफ है उषा टाटा हाँ तो भाई टाटा बिरला हाँ जी आपकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही देखो जी अब वहां से यहाँ तक तो गाड़ी की क्या जरूरत है जी हेलीकॉप्टर उधर छोड़ के गया ना हमें इधर अब देखो पंखे की वजह से बाल भी बिखरे हुए हैं हेलीकॉप्टर जी, हाँ जी मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं आपको पता है मुझे तो जमीन पर पैर रखने नहीं देती है हाँ जी एक बार इसने रखा था मैंने पैर तोड़ दिया था जी मैं आपको क्या बताऊं एक बार ना जब मेरी शादी हुई ना तो लोग 16 श्रृंगार कराते थे मेरे को 64 करवाए थे 64 श्रृंगार करने पड़े ना हमें 60 जब तक किए तब तक घोड़ी लग रही थी ये चार और ऐड किए फिर जाके यार बहुत ज्यादा क्या हो गया बे आपको क्यों रो रहे हैं आपकी नोक जो देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ गई अच्छा वो भी गई गुजरी थी खबरदार मेरे जीजू का मजाक उड़ाए तू हैं जीजू और इसके जीजा की शक्ल माँ से मिलते कभी कभी माँ को जीजा कह देता है चल चुप रह आइए हम रिश्ते की बात करते हैं आइए चलो आई एम सेटिस्फाइड विद हेलो आ जाओ तो लड़के वाले आ गए हैं फिर पापा हम तो रो क्यों रहे हैं अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं खबरदार अगर तुमने मेरी लड़की की तरफ देखा तो क्या कर रहे हो आप ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है बैठो हाँ जी देखने के लिए आया अच्छा तो तुम हो लड़के हाँ जी लड़का 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 लड़के एक ही लड़का हाँ जी आप लड़के के बाप हैं ग्रामर के टीचर नहीं है मेरे को पता है कि लड़के के लड़का ओके आप क्या करते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी ओलंपिक में खेलता है नहीं ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी बहुत तगड़ा निशानेबाज है आप मेले जाते होंगे कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है इतना निशाना पक्का बहुत साबुन लाइक करता है लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी नहला देता है ये हाथी नहलाता है मतलब शादी नहीं हुई ना फिर बेकार आदमी क्या करे हाथी नहला देता है कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है पहले हाथी छोटा था इसने उसकी सूंड में भूख मार मार के बड़ा कर दिया भाई मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो जैसे एयरलाइन हो कोई शॉपिंग मॉल हो कोई शिपिंग का बिजनेस हो वगैरह वगैरह अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो जब से ये चंदू चाय वाला आया ना यहाँ पे मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला उसको नाम नहीं लेना इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं तो अपना मुंह संभाल कर रखो इधर से बड़े ट्रक आते आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे आपको मिर्ची क्यों लगी लगनी नहीं थी मैंने लगता आपको कहीं तो देखा हुआ है नहीं नहीं देखा नहीं आप डॉक्टर है ना तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं मैंने खुद नहीं देखा मेरी बीवी मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है चलो जी जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है दो मिनट बैठ जाओ यार क्या हो गया वैसे डॉक्टर साहब हाँ जी भाई गिव मी 5 मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना आप बिल्कुल लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है सच्ची में मैं क्या बताऊं आपको सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं आपको पता है सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया अब मेरी बीवी फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है अंदर से करेक्टर लेस ही है वैसे आप क्या
कर लेती हैं समधन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना फिर। सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं, हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? बड़े आइडिया मिले लेकिन सारे फेल हो गए, क्योंकि 18 साल से CID देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी भाई, कुछ तो अठारह साल से 2 मिनट चुप नहीं कर सकता। वो खोलो अपना, बकवास बहुत करती है। देखो ये 18 साल से CID देख रही है, तभी आप देखो इसका मुंह लाश के पास से जो पिस्तौल मिलती है ना, कैसा हो गया। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हमारी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी पिछले साल ही जंग में शहीद हो गए। पिछले साल तो कोई जंग नहीं हुई। नहीं नहीं हो रही थी, आपका दरवाजा बंद था, आपको पता नहीं चला। मेरे को बता दिया कर, तू हंस रही है कि रो रही है? अरे आप रोइए मत, प्लीज प्लीज, रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप। मत रोइए। इधर वॉशरूम किधर है? इधर है वॉशरूम। मैं अभी आई रहा। ओए रब्बा, एक दिन ओए रब्बा। आप लड़की को बुलाओ ना फिर। कमाल के आदमी शादीशुदा होकर लड़की बुलवा रहे हो यहाँ पे? यार मैं कमाल कर रहा हूँ, मैं आपकी लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, जो देख रहे आए। चल ला, बचाओ बचाओ बचाओ। डॉक्टर साहब, ये अजीब सी औरत है, ये मर्दों के टॉयलेट में घुस आई। मर्दों के टॉयलेट में आप क्या कर रही थी? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती लड़कियां? लड़कियां जिधर मर्जी जाए, आप लोगों की वजह से ये जो है करते हैं भेदभाव, लड़कियां कहीं जाए क्यों भाई? इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के टॉयलेट में जा सकती हैं। एक मिनट, तुम मर्दों के टॉयलेट में क्या कर रही थी? ओ मैं बहन, जिनके अपने घर शीशे के होते ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकती। आओ जाओ, आओ बैठो। सरला भाई, सरला आ जाओ भाई, बैठो बैठो। आओ सरला बैठो। ये नर्स हमेशा आपके साथ ही बैठती है। पापा, लड़की बहुत संस्कारी लग रही है ना, इतना लंबा घूंघट करके आई है। हाँ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी नाक भेरी है ना, इसके लिए अपने शक्ल को ढका है। हम लड़की की आपको शक्ल दिखा सकते हैं, बट हमारे यहाँ मुंह दिखाई लगती है। दिखाओ दिखाओ, पैसे ला, दिखाओ मुंह दिखाओ। बड़ी आग लगी तुझे, आते 500 रुपए दे रहा। ये तो बड़ा उतावला है आपका बेटा। इतना भी क्या उतावला हुआ भाई, तो मुंह नहीं देखूं पा। हां तो दिखा रहे हैं मुंह, कोई भाग रही है पागल सा। दिखा दे भी, देख ले, देखो चांद आ गया, देख ले। भाई डॉक्टर साहब, मुझे लगता है लड़के के मुंह दिखाई से पहले इसके मुंह धुलाई कर लेते तो अच्छा रहता। नहीं मतलब लड़की को चाय वगैरह लेके नहीं आई, खाली हाथ आ गई लड़की। जा भाई, चाय लेकर आओ। अभी आया है। ओए, 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 तू कहाँ जा रही है? अबे इधर बैठो बैठो। आप चाय लेने क्यों जा रही थी भाई? एक्चुअली ना, मैं 10 मिनट तक चाय ना बनाऊँ तो मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एसिडिटी से यही याद आया कि आपकी बेटी को एसिडिटी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमने तो बड़े नाजों से पाला है इसको। नाजों से पाला भाई, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अनाजों से पाल दिया। 3 टाइम अनाज खाता है। अंकल, मैं आपकी लड़की से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? अकेले में हाथ पैर तोड़ देने, मैं तेरे अकेले में बात कर सकता हूँ? बात नहीं करूँ अकेले में। डैडी, वो मुझे शादी करने के लिए आया है ना, तो इसीलिए। नहीं, वो मेरे को ना कप्पू की याद आ गई थी, तो गुस्सा आ गया, तो मैं इसको फिर ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो आप। वैसे कप्पू की याद तो मुझे भी दिन रात आती है। मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। देखो फिर शादी से पहले ना तोड़ना, बिना टांगों के फेरे लेते हुए बड़ी फनी लगेगी। चलो एक काम करो, अभी सब लोग शांत हो जाओ, हम
लड़का लड़की की बातें सुनते हैं। करो भी अकेले में बातें। करो अकेले में बात कर। डॉक्टर साहब उनको बोलने दे दो। कर डैडी कर भी नहीं दे। फिर अकेले में बात। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? बहुत सारी। स्विमिंग, जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, मैं सब कर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मर्दों की आवाज भी निकाल लेती हूँ। पापा वैसे म्यूजिक का शौक है आपको? म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है मेरे बेटे को। ये गाना ऐसा गाएगा ना रोमांटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दोनों कहाँ गए दो मिनट में। अच्छा गा लेते हो? या बहुत ज्यादा भाई। चलो भाई अब साथ में कंपनी करेगी बिटिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेटे कर दो बेटे। कर दे बेटा। बेटे सीधे होके पकड़ो ना। बेटे उधर पीछे कैमरा नहीं ब्लॉक करना पापा मम्मी का। अब ठीक है? हाँ जी। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी चांद। तो तेरा क्या कर रहे? चांद तो फंस गई। चांद के इतना गंदा गाना कर रहा तू। तू चुप नहीं है? अनानास क्या हो गया मुझे? ओ हेलो। ओ मर्दों जैसी औरत इधर आ। देखो जी ये बेटा मेरा ना बहुत जैसा मैंने लड़कियों की तरह पाला है। मानो तेरे थप्पड़। लड़का शर्मा रहा है। आप आंखें बंद करो। गाएगा अच्छा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक कभी कंप्लेंट नहीं आई। बड़ा अच्छा गा के आया। जहाँ से भी चार पैसे लेके आया। इसको मारना है। मेरी बात सुनो ना। एक मिनट। आप सिर्फ इतना हम्बली में से रिक्वेस्ट कर रही है इतना प्यार से तो मैं सुन लेता हूँ। इस बार हाथ कर रहे हैं। मैं सुन लेता हूँ। इस बार मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो मैंने आपको बताया मेरे दादाजी जंग में शहीद हुए थे। मैं इधर ना कर दूं आपको। आपके नरम से आपकी वजह से मैं सुन लेता हूँ। चलो बेटा शाबाश। तेरे को किसने कहा था ऐसा गाना सुनाने को? बच्चा बहुत अच्छा गाता है, शर्माता है थोड़ा सा। आप आंखें बंद करो, देखना कितना अच्छा गाता है। चलो भाई। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। सीने से लग जा तू बल खा के। भाई एक मिनट, जब आपको पता था रिश्ता मांगने आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं आनी चाहिए थी आप दोनों को? खैर छोड़िए सारी बातें, आपको रिश्ता तो मंजूर है ना हमारा? भाई आप इतनी देर से बैठे हुए हैं तो रिश्ता पक्का कर ही लेते। वाह भाई वाह। बैठो भाई बैठो 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 बैठो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस खुशी के मौके पे मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। हाथी ना ला के तू बाहर छोड़ा था। हेलो हेलो चंदू। हेलो हाँ जी। हाँ जरा रसमलाई भेज देना। हाँ जी ओके। हेलो चाय भेजनी सर। क्या मैं जान सकती हूँ कि चाय वाले का फोन आपके पास कैसे आया? ट्रन करके खड़े हो। एक मिनट चल के वहां पे अपनी चाय भेजो। वहां पे चल के रिश्ता मंजूर है। चलो और कपिल एक मिनट, आपने हमें पहचान लिया? जब तुम आए थे मैंने तभी पहचान लिया जब इसने कहा था एक्सक्यूज मी। हमारा टाइम क्या वेस्ट किया? कुछ करने को था भी नहीं ना सारा दिन, तो मैंने कहा चलो मनोरंजन ही हो जाएगा। मेरी शादी। एक सेकंड डैडी, अगर आपको सब कुछ पता तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? बेटा तू कौन सा बैंक में नौकरी करती है जो तेरा टाइम वेस्ट किया? अंदर बैठी जुए ही निकाल रही थी ना। चलो अंदर चल। लेकिन चल अंकल ये देखो भाई तुम्हारे नाम का शो है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ से चलो। अंकल चलो यहाँ पे। अब तू खड़ा हो। ये रिश्ता पक्का? पक्का है बेटे। ये दिए जैसे जो तूने कान है मेरे को पकड़ा, ये तो चल हमारे सारे मोहल्ले वाले है। तू बाहर से आके ऐसी हरकतें करता अच्छा लगता है? तेरे को हाथी धोने का बड़ा शौक है ना? हाँ। अब एक हाथी तुझे धोएगी।
मैं सब मार रही।